ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हो, इस चैलेंज को आज खत्म करेंगे। भूख लग गया बहुत जोर से, तो गाइज आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा था। सो गाइज वेलकम बैक ऑन लास्ट डे एंड फिफ्थ डे ऑफ 5 डे 10 आवर स्टडी चैलेंज। इस चैलेंज को आज खत्म करेंगे। तो गाइज पार्क में एंटर कर चुके हैं और वॉक करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो गुरु गोविंद, कितने देर से यहाँ पे हो तुम? लगभग आधा घंटा से। क्या कर रहे हो आधा घंटा से? अरे देख रहे थे क्रिकेट। टहलने नहीं आए हो? आज टहलिंग नहीं। अच्छा, बहुत स्मार्ट लग रहा। चलो ठीक है, तो हम लोग वॉकिंग शुरू करते हैं अपना। पानी वाले तो गाइज बहुत ठंडा पानी था, तो मैं अपने फेस पे मार लिया हूँ ताकि एकदम फ्रेश फील हो। और आज इस 5 डे का लास्ट डे है, तो इसे बहुत बढ़िया से ख़त्म करना है एनर्जेटिक वे में। तो अभी चलते हैं, वॉक करते हैं। गाइज आज एक्सरसाइज करने का मन नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने थोड़े बहुत कर लिए हैं। अब चलते हैं, जल्दी से मेडिटेशन करेंगे। तो गाइज मैं जा रहा हूँ आज यहाँ मेडिटेशन करूँगा, क्योंकि ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हो, उसका थोड़ा थोड़ा पानी इधर आ रहा है हवा से, और यहाँ बैठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। तो गाइज़ अभी मैंने जहाँ बताया आपको कि मैं वहाँ मेडिटेशन करने वाला था, वहाँ पे मैं नहीं किया हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है और वो जो पानी थ्रोअर है वो पानी थ्रो कर रहा है, तो हवा से पूरा पानी इधर ही आके गिर रहा था। तो अगर मैं वहाँ पे 10 मिनट तक मेडिटेशन करता तो पूरे अच्छे तरह से भीग जाता, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं किया हूँ। तो गाइज़ पार्क से आ चुके हैं और अपने रूम को फ्रेश कर लिया है मैंने। मैं भी फ्रेश हो चुका हूँ थोड़ा सा, तो अभी नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि भूख लग गया बहुत ज़ोर से। और मैंने कल नाइट में बनाया था हलवा, सूजी का हलवा, तो वही बचा हुआ है, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए जल्दी से उसे खा के ख़त्म कर देते हैं। आलू का भुजिया एंड ये है हलवा। गाइस आज 4 डे भी कंप्लीट हो गया है, आज मुझे 5th डे को कंप्लीट करना है कैसे भी अच्छे से, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। बाय बाय। तो गाइस आज का जो 10 आवर स्टडी करना है उसका टाइमर मैंने ऑन कर दिया है, और सबसे पहले अभी रूम पे ही चलते हैं, न्यूज़पेपर कवर कर लेते हैं आज का। गाइस मेरा खाना बन रहा है, आप सुन रहे होंगे कुकर का सीटी, बट लाइट कटा हुआ हो गया लगभग 40 मिनट, अभी तक लाइट नहीं आया। मैं स्नान भी नहीं किया हूँ और मुझे खाना बना के खा के और लाइब्रेरी भी जाना है, तो देखते हैं कब तक लाइट आता है कि नहीं आता है। लगभग 2 घंटे हो गए हैं और अभी तक लाइट नहीं आया है, पूरा पसीने से हालत ख़राब हो गया है, और खाना बनाने के बाद रूम में तो और गर्मी लगता है। गाइस स्नान तो कर लिया है मैंने, थोड़ा सा पानी एक बाल्टी कैसे भी निकाला मैंने नल से, और स्नान हो गया है। अब चलते हैं थोड़ी देर में लाइब्रेरी में, उसके बाद तब स्टडी होगा वहीं पर। निकल चुके हैं लाइब्रेरी के लिए और ये रहा मेरा साइकिल लगा हुआ आराम से। बाहर आते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, जो ट्रांसफार्मर पहले एक बार लग रहा था उसी पे काम चल रहा है, यानी कि वायरिंग का काम चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो गाइस देख लो आप, एक ट्रांसफार्मर लग रहा है, वो भी सब के लिए नहीं, एक बिल्डिंग के लिए लग रहा है, बट उसके वजह से सारा कोई परेशान है जो भी इस रोड में है, वहाँ से लेकर शुरू तक लास्ट तक सब कोई बाहर निकल के और गर्मी में हवा ले रहा है रोड पर बैठ के। किसी के बिल्डिंग का पानी ख़त्म है, किसी का पंखा बंद है। नहीं गाइस, अभी मुझे एक लेबर मिले थे, उनसे मैंने पूछा कि ये ट्रांसफार्मर जो लग रहा है वो बस उस बिल्डिंग के लिए लग रहा है कि इस पूरे गली मोहल्ले वाले के लिए लग रहा है, तो उन्होंने बताया कि पूरा ये जो रोड नंबर 6 है, जहाँ तक उस जो पुराना वाला ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उसका कनेक्शन जहाँ तक था वहाँ तक उस ट्रांसफार्मर से लाइट जाएगी। तो ये सुन के खुशी मिली कि जो वोल्टेज प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाए। तो मिलिए मेरे दोस्त से, ये सोनू जो है मेरे बचपन के यार हैं, और आए हुए थे अभी जा रहे हैं कंकड़बाग कोई काम से, तो इधर 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 अभी मेरे साथ जा रहे हैं लाइब्रेरी, उसी में थोड़ा देर रहेंगे और फिर वहाँ से निकल के ये चले जाएंगे, मैं रहूँगा वहीं पे पढ़ूँगा, फिर आएंगे शाम को। तो कुछ कहना चाहते हैं? जस्ट अभी समय को इन्जॉय किया जा रहा है।
अब देखते हैं लाइब्रेरी में जाते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या सीखने को मिलता है। ओके ओके, तो पहुँच गए हैं लाइब्रेरी, चश्मा लगाते हैं और सबसे पहले बैग से निकालते हैं जो जो मुझे पहले पढ़ना है वो। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स के लिए कॉपी निकालता हूँ, फिर उसके बाद हिस्ट्री बुक निकालता हूँ और सबसे पहले करंट अफेयर्स लिखना शुरू कर देते हैं आज का। करंट अफेयर्स लिखने के बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो गाइस, मेरा करंट अफेयर्स आज का कंप्लीट हो चुका है, मैंने लिख लिया है, एक बार रिवाइज भी कर लिया है उसे। अब चलते हैं आज हिस्ट्री, सबसे पहले जो बाकी है चैप्टर उसे कवर करते हैं और तब दूसरा सब्जेक्ट में लगेंगे। तो हिस्ट्री में आज मैं पढ़ना है पीजेंट एंड फार्मर्स, तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं अच्छे से और तब आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी दूसरा चैप्टर नहीं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो टोटल अभी 1 hour and 28 minutes तक मेरा स्टडी हो चुका है, अभी चलते हैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और गाइज, आप भी अगर NCERT पढ़ रहे हो या कोई भी बुक पढ़ते हो तो सबसे पहली बात, अगर कोई भी चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगे उसे अंडरलाइन कर सकते हो या हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। और एक बात और, ये जो आप मैप देख रहे हो ये किसी भी बुक में मिलता है आपको, सबसे ज़्यादा हिस्ट्री जियोग्राफी इस सब में ज़्यादा मैप मिलता है, तो उस मैप को आप एकदम डीपली पढ़ोगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैप से रिलेटेड ही आते हैं और मैप तो बनाना ही पड़ता है। कोई भी आंसर राइटिंग आप करते हो उसमें अगर मैप बनाते हो या किसी भी चीज़ को अगर डिटेल में लिख के एक उसका डायग्राम बनाते हो तो मार्क्स बढ़ जाते हैं, ऐसा टॉपर्स लोग कहते हैं। तो गाइज, आज फिर से मेरा बॉटल छूट गया था रूम पे ही, तो मैं अभी जा रहा हूँ बॉटल के लिए, जो कि आदित्य जी के पास होगा बॉटल, तो वहाँ से लेके और पानी पियेंगे। तो ये इनके पास ये बोतल है, ले लेते हैं और चलते हैं अब पानी भरने। पानी भर के ले जाएंगे सबसे पहले अपने प्लेस पे और अच्छे से पानी पियेंगे और तब उन्हें ले जाके बोतल लेंगे। तो लास्ट में एक बिहार रिलेटेड जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, बिहार स्पेसिफिक बुक, उसका 2 pages पढ़ता हूँ। और पता नहीं, मैं जब भी ये शूट करने के लिए ऊपर रखता हूँ तो ब्लर हो जाता है, फोकस नहीं हो पाता है बुक, इस वजह से ब्लर हो जाता है, तो सॉरी फॉर दैट। बट मैं ये बुक पढ़ता हूँ और मेरा ये लास्ट वर्क रहता है, फिर उसके बाद क्वालिटी में कुछ पढ़ना रहता है एक चैप्टर, उसका भी लास्ट चैप्टर ही रहता है, तो क्वालिटी का लास्ट चैप्टर पढ़ के ख़त्म करते हैं। और आज मेरा क्वालिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, यानी कि 3 subjects टोटल ख़त्म हो चुके हैं, 2 subjects और बाकी है, उसका कुछ कुछ चैप्टर बाकी है, उसे अब आगे पढ़ के कम्प्लीट करेंगे। तो अभी हो चुका है मेरा टाइमिंग और अभी मेरा डायरी जिसमें मैं टोटल लिस्ट लिखता हूँ वो नीचे गिर गया था, तो उसे मैं उठा रहा हूँ, उठा के और तब निकलेंगे लाइब्रेरी से बाहर। तो जितना भी कंप्लीट हुआ मैंने कंप्लीट कर लिया, बाकी का जो टास्क होगा उसे रूम पे जाके कंप्लीट करेंगे एज यूजुअल, आप सबको पता ही है। बट अभी मेरा आज लाइब्रेरी में 5 hours भी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस 3-3.5 hours ही कंप्लीट हो पाया क्योंकि थोड़ा सा मैं लेट आया था, लाइट कट गई थी, पानी नहीं था, स्नान मैंने नहीं किया था, बहुत लेट से स्नान किया, खाना भी लेट से खाया, इसलिए लेट से आया था, तो 3.5 hours पड़ा। बाकी मैं कंप्लीट करूँगा जितना हो सके रूम पे जाके। और ये आज लास्ट ब्लॉग है 5th day of 5-day 10-hour study challenge का, तो मैं ट्राई करूँगा कि जब तक मतलब 10 hours पूरा ना हो जाए तब तक पढ़ूँ और इस ब्लॉग को अच्छे से एंड करूँ। तो आई एम हैप्पी कि आज लास्ट डे है और ख़त्म भी होगा। तो मिलते हैं अब डायरेक्टली आपसे रूम पे, बाय बाय। तो गाइस, जलेबी मैंने ले लिया है 250 grams। हम लोग छत पे आ चुके हैं जलेबी खाने के लिए, बट गाइस पटना का जलेबी खा के मज़ा नहीं आता है, जो गांव में जलेबी रहता है ना वो पता नहीं कैसे बनाता है लोग, यहाँ पे अजीब दिखता है, वहाँ का जलेबी एकदम गोल गोल और अच्छा अच्छा और स्वाद भी बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर आप लोगों को पता होगा कि पटना में कहाँ बेस्ट जलेबी बनता है तो बता सकते हैं। गाइज, मैं लाइब्रेरी से आ चुका हूँ और एक बात आपसे कहना था, आपने सब्सक्राइब किया है क्या इस चैनल को? नहीं किया है ना, अरे तो कर लो यार, 5-day study challenge मैंने कंप्लीट कर लिया, आपने देखा भी ये, और सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है, जल्दी से जो मेरा टारगेट है सब्सक्राइब का उसको आप लोग पूरा करो, कंप्लीट करो। तो गाइज, ये जो है 10
घंटे और 16 मिनट और 25 सेकेंड, यानी कि ये टोटल टाइमिंग है जो कि 10 आवर स्टडी चैलेंज के था, उसका 10 आवर मैंने आज का कंप्लीट कर लिया है। और लास्ट डे था आज, तो मैं इसे कंप्लीट करके बहुत ही हैप्पी हूँ कि मैंने ये 5 डे का चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं जाऊँगा खाना बनाऊँगा। ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और ये चैलेंज जो था YouTube फैमिली के सब्सक्राइबर मेंबर्स ने ही मुझे ये चैलेंज दिया था करने के लिए। अगर आपके पास भी कोई चैलेंज हो या सजेशन हो इस टाइप का छोटा मोटा, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं वो चैलेंज लूँगा। अगर अच्छा लगा तो मैं ज़रूर लूँगा। और मेरे साथ अगर आपको लेना होगा वो चैलेंज तो आप भी कमेंट कर सकते हो। मैं चैलेंज लेने से पहले कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगा या कोई वीडियो में बता दूँगा कि इसके बाद मैं ये चैलेंज लेने वाला हूँ। तो आई होप कि ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो और मैंने तो ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया। इस बीच एक दिन मेरा अच्छे से नहीं हो पाया था स्टडी, बट बाकी 4 दिन तो मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टडिंग वेल। सो गाइज, मिलते हैं फिर। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे जितने भी वीडियो हैं जो आपने नहीं देखा है, पहली बार ये डे 5 का ब्लॉग देख रहे हो तो चारों ब्लॉग जाके देख सकते हो और नए चैलेंज के लिए कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय एंड गुड नाइट।